पिछले दिन से तो पेट में दिक्कत चल रही है और ये तो मेरी पुरानी परेशानी है, बैठ नहीं पाता बगैर सहारे के। बगैर सहारे के मतलब कुछ भी बैठ सकता हूँ, स्टूल पे नहीं बैठ सकता। हाँ, जैसे हमारा कोई प्रेशर लीक हो गया हो, इस तरह की है कि भारी पन इतना हो जाता है, वो उठा नहीं जाएगा। मतलब अगर मैं जबरदस्ती बैठूंगा तो दर्द हो जाएगा बहुत ज्यादा। बैठ के देखो, गद्दा पे बैठ के बैठूंगा, 10-15 मिनट दर्द हो जाएगा। घड़ी लगाओ, घड़ी लगाओ भैया, कोई पंद्रह मिनट लगाओ, 20 मिनट मुझे बैठाना है और देखता हूँ कैसे फोन में चल रहे। ये लड़की है और दिक्कत इतनी बड़ी हो गई है इसे, ये तो पराये धन जाएगी बेचारी। अच्छा, जब से आप यहाँ आए हो, पहली बार आए? आज पहली बार आए, लेकिन जब से आए हो, जब से कितनी बार टॉयलेट इसका ऐसा दिख रहा है? कम है पहले से। कम है। देखिए, बेटी का धन है, पूरी ताकत लगा दूंगा इस लड़की को ठीक करके छोड़ूंगा, नहीं इसकी नस में दिक्कत हो चुकी है। अगर कोई लड़का होता तो मैं मना कर देता, ये ठीक नहीं होगा मुझसे। लेकिन इस गुड़िया का क्या दोष है? कोई पूर्व जन्म में गलती हो गई है, की सजा हमें तो मिल जाती है। लेकिन लोग कहते हैं कि हमने पूछा है, हमने क्या जाने जो अभी ऐसे नहीं हुआ, आपने गलती तो हमने हम नहीं करी है। ये तो वो जान सकता है जो जानता है, आप ज्ञान का मुझे, मैंने कोई गलती करी है, जभी तो आज मैं यहाँ करूँ सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी करता रहता। लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ आप लोगों का मुझसे कुछ छूटा हुआ है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं शरीर पूरा करके यहाँ से नहीं जा सकता। जब कितनी बहन बेटियों का, जब कितने का मुझ पर कुछ है, उसे भजन कर करके ही देना ही पड़ेगा, ठीक है? इस बिटिया को आप जो ये उपाय बताए उन्हें करवा लेना और इस बिटिया को दो शनिवार लेके आना मेरे पास, ठीक है? करता हूँ बाबा जी कृपा से आपके दोस्त तक बिल्कुल ठीक करता हूँ। बैठो भाई, चलो भाई जल्दी जल्दी पहुँचो। कितना दर्द हो रहा है? बैठो नहीं जाओ, फिर जाओ अरे बच्चा है दरबारिया बाबा जी का, मिलता है क्या हुआ? हार्ड ना, हार्ड की नस मिलाओ। कब आए थे आप? पहली बार आए। पहली बार आए? कौन सी नस पिलाओ क्या आपको? हार्ट की। हार्ट की तीन नस होती है, आपकी कौन सी पिलाओ? डॉक्टर ने तो ये बताई थी पिलाओ कभी नस। तो फिर दवाई चल रही होगी? हाँ जी। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? हाँ, ब्लड प्रेशर भी हाई है। दारू पीते हो? पहले पी में 1.5 साल हो गए छोड़े। अब और ज्यादा पी नहीं? क्या बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। वो भी पीते हैं? नहीं, तो उन्हें पिलानी चाहिए, ये तो अच्छी चीज है। अच्छा, जन्म हमें ईश्वर ने हमें दिया है, दारू पीने के लिए नहीं दिया। उन्होंने कहा जिनका कर्जा तुम लेके आए हो तुम तो लेने आ चुके हैं, और जब संतान होनी शुरू हो जाए तो अपने ऐबों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अब हमें उनके लिए जीना है जिनका हम कर्जा लेके आए हैं। जिस पे जितने बच्चों का कर्जा होगा वो आएंगे, वो लेंगे। एक ऐसे भी इंसान है कि जो माँ बाप का कर्जा नहीं होता है तो बाप भी नहीं मिलते हैं, नसीब नहीं होते हैं। पता लगा घर में बच्चा था और बाप चला गया, क्योंकि उस बाप का कर्जा नहीं था, तो लेके क्या करेगा? या सब लेने वाला ही नहीं रहेगा, है नहीं? तो भैया ये सब कर्जे हैं, इन चीजों को बिल्कुल त्याग के रहना। और
दवाइयां मैं बता दे रहा हूँ और दो शनिवार मेरे पास आ जाना तो इसी महीना से गारंटी अगर तुम्हें अटैक पड़ जाए ठीक है। ठीक भैया बैठो। विशाल जी की दवाई लिख देना शेर के सिरका वाले में ठीक है भैया भैया है नी और उन्हें दो शनिवार दूंगा। चलो भाई वो दे दे। अरे माल तेरे पास है तो माल तेरे खाए के आज तक तो नजर नहीं आएंगे आज तक तो नजर नहीं आएंगे आज तक तो नजर नहीं आएंगे। अरे माल तेरे पास है तो माल तेरे खाए के आज तक तो नजर नहीं आएंगे आज सिवाय से और कौन है तुम्हारे साथ? इसको लेकर आई लाली को ये लाल सोन वाली को। और ये कौन है इसके ये भी वहीं से आई है। अच्छा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दर्द रहता है? इसमें मेरा नसे खड़ी हो कभी गिर गई थी? खड़ा ना हो जाता ना गिरी तो ना दो चार साल पहले कभी गिर गई है वहाँ के सिर्फ नसों में दिक्कत क्यों हुई पता ना इतने बीच में है या इतने बीच में फिर नसे खड़ी हो जाता है तो आप खड़े होते में दर्द होता है। अच्छा चलो अब चलो आप हमें इतनी ना अब है जरा अब तुम्हें करना क्या है? सुनो तुम आग बीच के जाओ जो कंगाला सो हमें लेके आई है कम देर तक उनका चला रहा जो कतौला थी हमें इस मंदिर पे लेके आई है उन पे हमारा रोग चला जाए बाबा जी हमें ठीक कर ना तो आग बीच के देवा हो जय माता कर जय बाबा की जय माता की कर चलो भाई बोलो। अरे माल तेरे पास है तो माल तेरे खाए। अब देखो आपको कहीं भी जाना नहीं है अपने तो आप इधर रिजल्ट दिए आप पति बंदे पे पहुंच जाओ राजस्थान ये ले जाओ आप देख लो शायद की तरह जाते हैं चलो भैया है दरबार यहां बाबा जी का झटके लग रहे हैं बहुत लग रहे हैं तो काले रस्सी रखा हुआ है काले का मैं सफेद करवा दूं फिर भी सब अच्छा हम लोग इलाज में अरे दर्द के झटके हैं माइक मत लगा तरंग लगाएंगे इनकी नस मिलो हो गई ये गर्दन की लुक लुक सी हो गए। तुम्हारे पड़ोस में ऐसी कोई हो जो ज्यादा बोलती हो जनानी उसको लुक लुक करवा दे मैं तुम्हें सफेद रसगुल्ले खवा दूं मेरे गले का दर्द बंद कर दो। अच्छा चलो तो आप भी चलो अभी जितना बड़ा होता चला जाएगा उतने लगने ठीक होने लगा ठीक है ना बिट्टू ने हवाल के पास बता दिया लड़ाई बहुत आ जाता बिट्टू ने लड़ाई बोली चलो भाई बोलो जल्दी जल्दी आए श्याम सुंदर देखो फिर बैठ के हम कुछ कर पा रहे हैं चश्मा वाली लाली को आगे बुला अरे पेपर दिया ही क्यों कैसे गया आपने पेपर की इतनी ज्यादा तैयारी नहीं थी तो पेपर इस बार तो अच्छा नहीं मुझे तो लगता नहीं है तो उसमें फेल हो जाएगी मेरा तो मन ये कह रहा तू पास जाएगी देख ले फर्स्ट तो मैं नहीं कह सकता फर्स्ट जाएगी लेकिन चाहे सेकंड जाए पर जाएगी पर बाबा मैं एक पोर्शन तो करके ही नहीं आई मैथ का तो फिर उसमें नंबर कैसे तू उसमें वैसे ही कुछ लिख जीरो जीरो पर आई हो आई भी कम था ना एग्जाम अगर जीरो जीरो भी लिख के आई होगी उसमें भी नंबर बन जाएगी अरे माँ के देखे बोल गुरु महाराज की जय नहीं तुम्हें पता लग जाएगी कि बाबा की वाणी कितनी सख्त है ठीक है बाबा देखती हूँ ठीक है
आप तुम अपनी समस्या बताओ। पहले मेरे दांत में दर्द था, वो तो पहली दोस्त के बाद हुआ नहीं आज तक। दांत में हाँ, दांत में होना नहीं चाहिए, मूंगफली ज्यादा खाओ। मैं तो खा, जिससे दांत में दर्द हो वो चीज दवा के खाओ, ठीक है? अच्छा चलो, और दांत खत्म हो गया। अच्छा और बता बताए। और मेरी यहाँ पे चोट लगी थी ना, तो यहाँ पे गांठ बन गई है, वो भी तो दुखता भी है। आपकी नहीं है गांठ अभी? है, मैं तो सोच रही हूं। ये पिछली दोस्त को बताया था? हाँ, वो मेरे चोट लगी थी पिछली दोस्त पे एक दिन पहले। अच्छा, तो तभी लगी थी वो चोट, लड़ाई हुई ना घर पे, तो उसने लगी थी ऐसे। चाचा पाचा में लड़ाई हुई? चाचा तो मेरे बहुत अच्छे हैं। किस में हो गए? हाँ, एक पड़ोस में। एक पड़ोस में? हाँ हाँ, चाचा तो बढ़िया है, मेरी तारीफ करता हूँ। ताऊ तेरे बढ़िया है, मेरे ताऊ लगे हैं कितनी बड़ी है और कितना दुख रहा है, ये देख ली कितनी मोटी है। पहले दस था, दर्द नहीं है, सिर्फ आप देखते पकड़ के देख, हल्की सी महसूस हो रही है। अच्छा छोड़ इसको जल्दी, और समस्या बता। मुझे नींद बहुत आती है। नींद अच्छी बात है, ज्यादा सोना चाहिए। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, पर लेकिन जब पीछे पहली डोज पाई थी आप, जब चेहरे पर बड़ी गिरावट है, और अब तेरा चेहरे पर चश्मा अच्छा लग रहा है, जब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उतरवाना है चश्मा, उतार तो मैं दूंगा। अच्छा, पड़ोसी कांपन में पर तू नहीं कांपेगी आज, ऐसा भी बाबा जी का प्रदान है, ठीक है? आज मीचने में डाल, चलो भाई बोलिए जल्दी। अरे श्याम सुंदर लगा तेरे चरणों का दीवाना है, हेलो अब तो फिलहाल तो ना, आज मीचने बोल भी भजन बोल। अरे श्याम सुंदर लगा तेरे चंदों का दीवाना है, भगे तुमको प्यार दे सावना मुझे सना रे, भगे तुमको प्यार दे सावना मुझे सना रे, भगे तुमको प्यार दे सावना मुझे सना रे। जयकारा बाबा जी का लगा दे, जयकारा बाबा जी का लगा दे, हो जा तू भी काए बाबा से हराने से गाती गाती राजा जय रसगुल्ले तो आज ही लाई थी, रसगुल्ले और भी लिया रसगुल्ले सुबह को ही लिया तो मेरे घर कोई बात नहीं, आंख भी चल रही। चलो भाई बोलिए। अरे भगतों के तेरे रबा हुआ जमा हुआ रमा हुआ, भगतों के तेरे रबा हुआ जमा हुआ रमा हुआ, कोई तारे हल्की कितनी होगी? गर्दन तो हल्की हो रही है। हल्की होगी
पहले भारी है ना, पहले भारी दर्द भी हो रहा, बुद्धि में चल रही है जैसे बोझ सा रखा हुआ, और अब गर्दन में ना बैठ गई, गले में ही गई, गले में ऐसे जैसे मैं कोई चीज सटकती हूँ, मैं जब दुख गया ऐसे दुख रहा, अच्छा जैसे पानी पीऊंगी या चाय पीऊंगी तो पहले के मूड में तो बहुत ही ज्यादा हुए थे, दुख सटक कर देखो, अब तो फिलहाल तमरी कर लगा और मंदिर में आने का वैसे भी हल्का ही हो जा रहा है, क्या यहाँ जादू है? हाँ बाबा की मेहर है यार, हम बाजीगर को खेल करते हैं, बाजीगर खेलना बाबा की मेहर है, आज भी चले एक बार और तुम सटक कर दे रहे हो, धूप सबको सटकती बार हुआ आप सबको ना, अरे अरे के ने दुखिया को जागा थाना भवन की तरफ, घंटा ऊपर चल रहे इसके बैठने के, चल रहे नहीं, इतने बीमार आदमी इतना समय रुकना मामूली बात नहीं है, खूंटा सा फूकता है फिर पीछे पड़ जाता है, फिर जोर से बहता है फिर पीछे पड़ जाता है, इस तरह खेल चल रहा है इसके साथ, आज इसे फ्री करके भेजो ना, तो जितनी सेवा आज दे रही है बैठ के, इतनी सेवा तो पहले जो अब तक दे दी तो तब तक तो ठीक होकर डकी होती है, आज कैसे कहना जी करा था तेरा जो जी, अब ना कहीं भी दौड़ कर आज बहुत दी है, कमर सीधी करना चाहती है तो कर ले, मैं तो कर रहा हूँ ठीक है ना, कमर अगर सीधी करें तो ज्यादा ठंडा हो गया, 3-4 घंटा हो गए इसको बैठे बैठे, हाँ भैया आप देखो सिर में क्या दिक्कत है, आप तो कुछ देख ही नहीं रहा मुझे, है बस बहुत हल्की है जैसे मटरा के दाने के, है नहीं, बैठ जा ये भी खत्म हो जाएगी, चलिए भाई पहले की तरह कुछ और था नहीं, पहले तो बैठ ही पा रहा था, मैं आते ही बैठा था, नहीं करने वाला बैठ पा रहा हूं, लेकिन दर्द है, तस्वीर डाली वाली चली गई, दर्द है बंद करनी है, बंद हो जाएगा फिर दोबारा लाल वाली दोबारा, अच्छा और नेक्स्ट वाला हम कौन है इधर, और तो एक